हेलो भाई, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 4 वायु ऑफ 7th क्लास सोशल साइंस। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 4 वायु का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है इसका आंसर देते हैं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है इसका आंसर आ जाएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली दो गैसें। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली दो गैसें नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव करती है इसका आंसर देख लेते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम किसे कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा के तीन प्रकार लिखे। वर्षा के तीन प्रकार लिखे इसका आंसर आ जाएगा, वर्षा के प्रकार संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा एंड पर्वतकृत वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुदाब क्या है। वायुदाब क्या है इसका आंसर देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वायु से भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, इसमें हम का नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओजोन। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभमंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्षोभमंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है।
वायुमंडल के निम्न परतों में कौन से बादल विहीन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा घटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा, हिम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्षा। ठीक है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा वर्षा ऋतु में ही अक्सर आए दिन होते हैं, वर्षा ऋतु में ही अक्सर आए दिन होते हैं और आए दिनों में हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जल वाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है और यह हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़े को जल्दी सूखने नहीं देती हैं। ठीक है, और यह हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़े को जल्दी सूखने नहीं देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। इसका आंसर आ जाएगा भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आने पर आतपन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, सॉरी घटती है। यही कारण है कि ध्रुव की ओर से आने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, इसका आंसर वर्षा ऋतु में अक्सर आए दिन होते हैं और आए दिनों में हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है और हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़े को जल्दी सूखने नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है, उत्तर भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से, इसका आंसर आएगा दक्षिण की ओर जाते तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है और यही कारण है कि भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर आने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। ठीक है,